the women a happy Women's Day. Happy Women's Day, all of you. मैं तो हैप्पी वुमेन्स डे ही बोलना चाहूंगी. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन. हैप्पी वुमेन्स डे. But yes, this is something very special to my heart. Like, why today I am having this brunch and invited all these beautiful women? Because as I said, one woman makes a difference, but together we all rock. So, and personally, mere life mein bhi bahut ups and downs hue hain, and over the years there have been so many beautiful women who have supported me. There have been so many inspiring women around me. So I just wanted to, you know, have this brunch so that we all have fun. I think this is a great initiative. जो ये जो thought है itself, it's so beautiful, and celebrating womanhood like this. In fact, जब वाबिज़ और मेरी बात हो रही थी, so I just told her that I think it's so passe when we say that औरत औरत की दुश्मन है and all that. Today is the time when women adjust each other's crowns, and it is so good, and I'm so proud that she's thought of something like this. And I wish her all the best that may she be able to do it even bigger and bigger every year. Thank you. That's what I wish. Same sentiments. Yeah, mama. I share the same sentiments as Juhi. I told her the same thing. Next year, keep on doing bigger and bigger and bigger. अभी मैंने एक छोटा सा initiative लिया मेरी capacity में जितना था. No, it's beautiful. It's the thought that counts. But you know, Juhi, it's very nice of you to come and support, because that's what I want to, you know, clear this myth ke women can be friends. In fact, women can. पता नहीं अभी तक तो मैं अंदर गई नहीं हूँ, बट अभी जाऊँगी और सबसे मिलूँगी, देखूँगी कौन कौन आया है. सबसे पहले तो वाबी से ही मिलूँगी ऑफकोर्स, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ. एंड उसके बाद हाँ, मस्ती तो करेंगे, इन्जॉय तो करेंगे. वील रेज अ टोस्ट, वील डू चेयर्स, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स और कुछ अचीवमेंट कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एंड वील जस्ट सेलिब्रेट आर हाइज एंड आर लोज. मेरे हस्बैंड कंट्री में ही नहीं है, हस्बैंड दुबई में है अभी इस वक्त. और उम्मीद करती हूँ कि मैं होली पे उन्हें मिल पाऊँ, उन्हें देख पाऊँ. देखते हैं, वो अगर होली तक वापस आ गए तो. वो गए हुए हैं वहाँ पे किसी काम से, एंड अब वहाँ के टाइमिंग्स के हिसाब से आई डोंट नो अभी कल वो कितने बजे सोए थे, क्या है क्या नहीं है, तो अभी तक तो फ़ोन आया नहीं, पर आ जाएगा जब उठेंगे तो. इनफैक्ट हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो होली के दिन ही होने वाली थी, और दुबई में भी हमारा होली को लेके ही एक इवेंट था जिसके लिए मयंग गए हुए थे वहाँ. बट बिकॉज़ जैसा कि आपने कहा, ये जो कोरोना वायरस है जो अभी यहाँ हमारे इस देश में भी आ गया है, तो उसके डर से थोड़ी सी प्रिकॉशंस जो है लेते हुए हमने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया होली का, जो हमारा होने वाला था यहाँ बॉम्बे में. और दुबई में जो भी हमारा होने वाला था वो भी हमने कैंसिल कर दिया. मतलब मैं अपने आप को भी लेके बात करूँ तो मैं भी अपने आसपास कुछ लोगों को देखती हूँ, तो उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेती हूँ. तो डेफिनेटली वुमेन इन ईच एंड एवरी सेक्टर आर डूइंग सो वेल, सो उनको देख के आई थिंक वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तो आता ही है. तो हाँ, आत्मविश्वास वो एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर एक लड़की में आज की डेट में आ गया है और है. और आज वो अपने आप में इतना विश्वास रखती हैं कि वो किसी भी सेक्टर में जाके उनको पता है कि वो अच्छा कर सकती हैं, और प्रूफ भी करके दिखाया है. बहुत से एग्जाम्पल्स है, बहुत से लोग हैं कि वो किसी से कम नहीं है, कि उनकी तुलना किसी से की जाए. एक चीज़ है जो मैं नोटिस करती हूँ, कितनी औरतें ऐसी हैं जो इनफैक्ट बहुत सी इलनेसेस से भी लड़ी हैं और लड़के खड़ी हुई हैं वापस से अपने पैरों पे. कितनी वुमेन ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस जिन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, और वो घबराई नहीं, वो गई छोड़ के एक सेफ प्लेस में अपने किड्स को लेकर, सामने आई चीज़ों को लेकर. कितनी औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट एक्सपीरियंस किया. एक्चुअली ये सब बातें बोलते हुए भी मुझे बहुत ऐसे होता है, क्योंकि डेफिनेटली ये सब अच्छा नहीं लगता. लेकिन जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इस तरह की चीज़ फेस करने के बाद भी
जब वो लोग बाहर आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, उससे लड़ते हैं और वापस से अपने पैरों पे खड़े होते हैं दुनिया को फेस करने के लिए, इट्स कमेंडेबल. स्पेशली उन औरतों को आई रियली लुक अप टू. आई लुक एट देम एंड आई सी देम एंड उनको देख के जितना कॉन्फिडेंस आता है ना, आई डोंट थिंक किसी को देख के आ सकता है. आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली. यू नो देयर इज नो वन डे फॉर अ वुमेन्स डे. आई थिंक देयर शुड बी एवरी डे 365 डेज फॉर द वुमेन्स. सो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट एवरी डे. आई मीन नॉट ही इज नॉट द पर्सन हु डू एनीथिंग स्पेशल ऑन वन पर्टिकुलर डे, बट ही मेक श्योर दैट ही कीप्स डूइंग समथिंग और द अदर टू मेक मी हैप्पी. सो या ही इज कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग फॉर मी. आई थिंक इट्स जस्ट द फीलिंग दैट येस you being a woman, you can do anything and everything in, you know, under the sun, and you have the the most amazing power you have. I would not say power, but you have something where you can, you know, give a birth to another person, which is you can produce a life, which is a very, very huge thing. So I think it's just amazing to be a woman. Khana, I love my mom makes gujia. Up in the north we make gujia, shakkarpara, and there are a lot of other things, matri she makes. So I love whatever she makes. She makes amazing gujia, khoya gujia. Even my friends love it. So yeah, I love it. I think you all should be fearless, feel powerful all the time, and be strong all the time. You are self-sufficient. You don't need any support or, you know, any men to depend on. You can be independent in every way. Can be friends. Yes. And when women can be friends, and that's what I'm saying. मैं अपनी खुद की journey से बोल सकती हूँ कि my mother, my grandmother, my teams are all females. Yes. My friends are all females, and I'm surrounded by all inspiring women who've been watching my back. And I think women are so sensitive. They understand each other's sensitivity because they're made that way. Right. So why? Compassionate. Yeah. And I think more compatible also. हम लोग एक दूसरे को बहुत समझते हैं at a deeper level also. One thing I think women. The woman only has the feel. I think being the best part for me being a woman is that I think women are very strong. Very, very strong. Women are facing so many challenges, so many, you know, roles women have to, you know, be a mother, they have to be a homemaker, they are working, but they just keep going. I admire the strength of women. I think women are more multitaskers. We are reading each other's thoughts. Each other's mind. Because I was about to say the same thing, that they are truly multitasking, because multitasking does not just mean taking care of five different kinds of careers. Being able to be at home, take care of home, and still go out. Not just women like us, women who, like so many women who travel in the trains at 5 in the morning, but they have the only species who has the power and capacity to wake up 2 hours prior that and cook for the entire house and then go on work and come back and again cook for the family. So a woman is really blessed with this. But that one quality that you say, I think here again, auntie will say, I was going to say the same thing. That we are reading each other's minds, I think. Able to give birth. Oh yeah, definitely. That's the after becoming beauty. A mother, I feel. एक दिन मेरा भी आएगा, अभी नहीं आया, आएगा. And I recently said this to somebody, which I really want to say here, that I used to always wonder when why people say that एक औरत जब एक माँ बनती है तो ही complete होती है. Now I know the meaning of it, because when you become a mother, which auntie will agree, my dialogue marti hai mummy Amisha, of unconditional love you can feel for another person who is not you. When you are capable of loving somebody more than you is only when you become a mother. So God has gifted this big niyamat to a woman, that she can give birth to another child. Is I think It beats everything else. Yeah, it is the biggest superpower that a woman has, and it. Well, the very fact. ये हमें जब मेरा एक plan रहता था कि, you know, मैं एक दिन अपनी सारी girlfriends को बुला के एक pajama party करूँ या कुछ तो करूँ, but all girls. I only wanted girls, and what better occasion than Women's Day? Like, I'm not trying to be all preachy, but I wanted कि, you know, we all come, we celebrate womanhood, and I'm telling you, हम एक दूसरे के supporters हैं actually. अब लोग देखेंगे. And I'm thankful to Babin that she's invited me, because we bonded and clicked really well in one of the events that we met. We met for Munisha's Roka,
and we just clicked and we spoke about it. Sajis. That we should meet. Yeah, we should meet. We should meet. And what better way to bond even more than that's this? Why I'm thank so you for having me. No, you're most welcome and thank you for coming. Because I'm the first one. Yeah. Stars always come on time. So she's, because as I'm saying, even by them coming na, bahut support milta hai, moral support milta hai. Because agar aap aage support hi nahi karoge, so then what's the point? I want that, you know, women pull each other up, not down anymore. True. That is it. True. So lastly, yes. So wishing everyone a happy, happy Women's Day. Should we do one more? Yeah, yeah. Okay, so wishing make everyone. Huh. A very happy wishing day. All our women fraternity. No, wishing everyone over. Everyone, men be good. Women fraternity. Every wishing every woman. So wait, we'll all do one line each. Wishing every woman out there. Then we say a happy Women's Day. Yeah. Okay? A happy day. A very sweet thing that Vabis wanted to do. Like, you know, a lot of time we think we'll meet up, but we don't end up meeting up. So it's a very sweet thing. All the women who are friends, let us come together, let us lift each other up. And hopefully we do this more often. And I really want this becomes bigger and bigger, because I think, I'm not a day-day person. I don't think so. There should be one day for women. That's not fair. I think every day should be a Women's Day, and just like, you know, and that should happen when all of us, we come together and stand up for each other. So I think this is the first step, and I think we can make it bigger and bigger. And for being a woman, what is the best part about being a woman for you? I think women are multitaskers. They are quite good at it. It comes naturally as a gift. That's a good thing I like about, I think everything I like about being a woman. But yes, I have been lucky that I'm born in a city and I'm working in another, you know, metro city. So, but even being here, you are a woman too. So I'm sure there are a lot of times we do face this some kind of biasness, be it payment or the other things. So yeah, it is there, but I think, the fact that we have started talking about it, thoda hi sahi, kuch ho khas nahi raha hai India mein, but we have started talking about it. So I think, dheere dheere, shayad it will take time, but we'll get there. And also, Holi is always A lot of people don't like Holi, but I love Holi. I love dry Holi though, not Gila Holi, but I love that music and everything. But this year, I might not be playing. I am scared of Corona. Nothing major, like I am here for a gathering, so nothing major, but yeah, the water and you know, so that I'm avoiding, like too many people unnecessarily that I'm avoiding. Nothing interesting as of now. The 2-3 places that I'm in talks with, but I hope it works out, because in TV, I don't know, like, you know, I'm in a place where I want to do good work, and I'm just not interested to go to the set. Aise kaam bahut hai, aisa nahi ki nahi hai, ki just to go to the set, just to make my per day and just to be seen or not seen at all, maybe. These kind of roles are there, because if you think of daily soaps, the content wise we have some kind of limitedness. So the kind of age group I am in, and they don't have very exciting stuff for my age group. So I hope there is something. If that works out fine, then again I'll wait for something else. In the meantime, I'm doing my I'm trained in yoga, so I'm doing following my passion in the moment. I do healing, so I'm keeping myself busy with all the things that I do. But in work wise, if there's something, because I get really bored if I don't feel excited about what I'm doing, you know, just to go to the set, and nowadays sets are in Naigaon and God knows where. So you travel 3 hours just to be there, and I don't know, it's not, so in the meantime you do something else till you find what you want to do. Everything, I think, but I think they are born with the natural instinct of
I would say they're very compassionate, and kindness which comes naturally to them. That's the most beautiful thing about women, I feel. But ऐसा कोई एक क्वालिटी नहीं है यार, बहुत सारी क्वालिटीज हैं मैन वेमेन में जो चेरिश की जानी चाहिए और सेलिब्रेट की जानी चाहिए. हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं. वुमेन होने के बहुत सारे फ़ायदे ही लगते हैं मुझे, नुकसान तो कुछ लगते नहीं है अनलेस सोसाइटी की ऐसी सिचुएशन में वो वुमेन है जहाँ पे वी ऑल नो हाउ इट इज़. बार बार चीज़ों को दोहरा के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. इनफैक्ट वी शुड ट्राई टू फिक्स इट, गिव अ बिट इफ़ वी कैन डू एनीथिंग देयर. सो एजुकेशन आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नहीं मिल पाती है रूट लेवल पे. बट अदर देन दैट फ़ायदे फ़ायदे फ़ायदे, क्या नुकसान है लड़की होने के. हाँ तो काफ़ी चेंज है. आई कम्प्लीटली बिलीव, आई हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर माई वर्क फॉर अ वाइल नाउ एंड डिफरेंट. भोपाल में शूट किया, बरेली में शूट किया मैंने, हरियाणा में आई वेंट फॉर अ फैमिली फंक्शन. एंड जो मेरा परसेप्शन था और जैसे चीज़ें हैं शायद इतनी बुरी है नहीं. हालात कहीं कुछ किस्से होते हैं ऑफकोर्स एंड दैट सैड, बट इट्स क्वाइट, पीपल आर चेंजिंग, दे आर वेरी एडवांस्ड एंड अच्छा है. बाकी I don't think we should look upon those sides of whatever negative is there. In the sense, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कोई किसी को बता नहीं सकता है क्या करना है. Any struggle, you make your own struggle and you break your own struggle. So I think it depends upon you, whether girl or a boy. अगर आपकी कोई struggle है, you can come out of it. It's not a big deal. Just speak up for yourself. सारे मैसेज दिए हैं मैंने. मुझे लग रहा है मुझे पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, इतना अच्छा अच्छा बोला है, मुझे काफ़ी वोट डल जाएंगे. या आई जस्ट विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी ब्यूटीफुल लाइफ. लिव हैप्पी, लिव हेल्दी, अच्छा खाइए और एटलीस्ट डू ट्राई टू डू वन एक्ट ऑफ काइंडनेस एवरी डे, जिसके लिए आपका कुछ रिटर्न माइंड में नहीं हो कि इसके रिटर्न हमें मुझे क्या आएगा. If you start from there, I think world can become a better place. Wish each and every woman in my life and people whom I don't even know, all my fans, all my people who are close to me, a very very happy Women's Day. 365 celebrate karna chahiye, 24/7 celebrate karna chahiye. Bas ye ek din aisa ban gaya hai, to zahir hai. Aur main kafi arse ke baad, and thanks to Vahabis that she called me. एंड माई प्लेजर थरली. बट बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये सही मौका चुना उसे. मैं जूही को भी यही कह रही थी, मैंने कहा इसी बहाने कम से कम हम सब जो पुराने काम किए हुए थे साथ में, जो नहीं मिल पाते बिजी शेड्यूल्स की वजह से, उनसे मुलाकात हो जाती. तो आई थिंक वुमेंस डे शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी सिंगल डे. सबसे अलग तो नहीं कहूँगी मैं अपने आप को, कभी उस कैटेगरी में नहीं गिनूँगी. हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आई एम लकी दैट आई एम बॉर्न अ वुमन. एंड बहुत सारी प्लस पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव को मैं कम ही गिनती हूँ, क्योंकि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, मैंने काम बहुत यंग थी तब शुरू किया. आज 35 इयर्स हो गए मुझे, एंड आई एम मतलब 35 सालों में बहुत कम रिग्रेट हुआ है मुझे. शायद कभी कोई एकाद किस्सा ऐसा हो गया होगा जहाँ कोई न्यू कमर्स होते हैं, मिसबिहेव करते हैं या कुछ करते हैं, तो मैं शायद रिएक्ट करती हूँ. अदरवाइज़ बहुत मज़ा आया. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लव, एवरीथिंग. And I think being a woman, I think वो सब चीज़ें मुझे प्रिविलेज मिला, शायद मर्द होती तो इतना नहीं मिलता मुझे. तो being a woman, I am very happy, very very happy being a daughter. I am very happy being a good friend, a good relative, a good cousin sister. And यही सबसे अच्छी चीज़ है बेटा. देखिए फिल्म्स और टेलीविज़न दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, तो फिल्म्स में तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई दिया मुझे. अब भी उतनी ही इज्जत की जाती है, अब भी उतना ही प्यार और बहुत अच्छे से डिसिप्लिन के साथ काम होता है. और हम लोग ज़रा थोड़े पुराने स्कूल के हैं, लाइक आई टोल्ड यू 35 ईयर्स आई बीन वर्किंग, तो अब मुझे पुराना बोला जाता है कि थोड़े वेटरन्स हो गए ये लोग, पुराने लोग हो गए. लेकिन अफसोस है, अफसोस हो रहा है मुझे. लेकिन कुछ न्यू कमर्स जो आजकल आ रहे हैं, somehow they are all educated. ये भी नहीं कि कोई जाहिल अनपढ़ गवार है, they are all educated, but somehow तमीज़, तहजीब,
ये थोड़ी कमी आ गई इन सब चीज़ों में, जो मुझे बहुत पर्सनली फील होती है. और मैं अपने वक्त के लोगों से जो बात करती हूँ तो वो भी यही राय रखते हैं कि सीनियर्स को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है. एक गुड मॉर्निंग बोलने में कुछ नहीं जाता है किसी का, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो. एक गुड मॉर्निंग बोलकर, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हमारे अदब में, कई लोग हैं जो अब भी खड़े हो जाते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट विच वी हैव अर्नड ऑल दीज ईयर्स, बट एक गुड मॉर्निंग अगर बोल दोगे तो कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा आप. लेकिन वो भी एटीट्यूड लगता है कि हम क्यों बोलें, हम क्यों कहें. वो चीज़ अगर हमारे न्यू कमर्स जहाँ एक्टिंग सीख कर आते हैं वहीं ये थोड़े एटिकेट्स और तमीज़ तहजीब सीख लें तो बहुत बेहतर है.